नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत में एक ऐसी जगह जहां न सरकार चलती है न पैसा चलता है। इंसान की जिंदगी पैसों से चलती है और पैसा सरकारी कार्यालय में बनता है। आजकल रुपए के बिना कोई एक कदम भी नहीं चल पाता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी जगह भी है जहां पैसों की कोई जरूरत नहीं, तो आप यकीन करेंगे? नहीं ना। इसलिए आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां ना पैसों की जरूरत होती है ना सरकार की, और वो जगह हमारे भारत में ही स्थित है, जो कि एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां ना तो कोई धर्म है, ना पैसा है और ना ही कोई सरकार। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि भारत में तो शायद ही कोई ऐसा शहर हो, लेकिन यह सत्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह शहर चेन्नई से केवल 150 किलोमीटर दूर है। इस जगह का नाम ओरोविले है। आपको बता दें कि इस शहर की स्थापना वर्ष 1967 में मीरा अल्फाजो ने की थी। इस जगह को सिटी ऑफ डॉन भी कहा जाता है, यानी भोर का शहर। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस शहर को बसाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ पर लोग जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव से दूर रहे। यहाँ कोई भी इंसान आकर रह सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे एक सेवक के तौर पर रहना होगा। यह एक तरीके की प्रायोगिक टाउनशिप है जो कि विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्थित है। अब चलिए जानते हैं कौन है मीरा अल्फाजो। आपको बता दें कि मीरा अल्फाजो श्री अरविंदो स्पिरिचुअल रिट्रीट में 29 मार्च 1914 को पांडिचेरी आई थी, और वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह कुछ समय के लिए जापान चली गई थी, लेकिन साल 1920 में वह वापस से पांडिचेरी आ गई थी। साल 1924 में श्री अरविंदो स्पिरिचुअल संस्थान से जुड़ गई और जनसेवा के कार्य करने लगी। साल 1968 आते आते उन्होंने ओरोविले की स्थापना कर दी, जिसे यूनिवर्सिटी सिटी का नाम दिया गया, जहां कोई भी आकर कहीं से भी रह सकता है। साल 2015 तक इस शहर का आकार बढ़ता चला गया और इसे कई जगह सराहा भी जा रहा है। आज इस शहर में करीबन 50 देशों के लोग रहते हैं। इस शहर की आबादी करीब 24,000 लोगों की है। यहाँ पर एक मंदिर भी है, हालांकि मंदिर में किसी धर्म से जुड़े भगवान की पूजा नहीं होती। यहाँ सिर्फ लोग आते हैं और योगा करते हैं। इस शहर की यूनेस्को में भी प्रशंसा की। और आपको यह बात शायद नहीं पता होगी कि यह शहर भारत सरकार के द्वारा भी समर्थित है।